खबरों में सेना का जवान बन घूम रहा था बहरूपिया, मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे उत्तराखंड का दौरा, ऋषिकेश एम्स ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे लोकार्पण। उत्तराखंड में कमजोर हुई कोरोना की रफ्तार, बीते दिन सामने आए कोरोना के कुल 12 मरीज। सरकार को मिली नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत, असीमित संख्या में चारधाम यात्रा कर सकेंगे तीर्थयात्री। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। खटीमा में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में 2 दर्जन शिकायतें दर्ज की गई, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का प्रशासन की ओर से मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि 2 दर्जन शिकायतें तहसील दिवस में दर्ज की गई, जिनमें से 1.5 दर्जन के लगभग शिकायतों को तत्काल ही मौके पर निस्तारित किया गया, बाकी बची 6 शिकायतों को विभाग को निस्तारित कर दिया गया है। खटीमा में उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है तहसील दिवस संपन्न किया गया, जिसमें लगभग 24 जो है शिकायत आई हैं और 15 का उनका निस्तारण कर दिया गया, शेष का जो है संबंधित विभाग को जो है स्थानांतरित कर दिया गया। लगभग सभी थे PWD, सिंचाई विभाग, शिक्षा और पशुपालन। उत्तराखंड के पहले दौरे पर पहुंची महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा का जौलीग्रांट एयरपोर्ट में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद वो देहरादून के लिए रवाना होंगी। इस दौरान नेटा डिसूजा ने कहा कि ये सरकार किसानों और बेरोजगार युवाओं को दबाने का काम कर रही है। वहीं लखीमपुर की घटना में आरोपी का गिरफ्तार न होना और कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया जाना सरकार की मंशा को दर्शाता है। देखिए, आज उत्तराखंड का बिल्कुल सही बात है आपका कि पहला दौरा है, आए हुए हैं हमारी महिला ताकत से मिलने, हमारी बहनों से मिलने जो संगठन में काम कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत के बातें होगी, डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से महिलाएं आगे 2022 की जो चुनाव है उनकी रणनीति बनेगा। और जिस तरीके से हालांकि जो सरकार, जो अब का सरकार है, इनकी जो गलत नीतियाँ हैं महिलाओं के प्रति, अब आप देख सकते हो कि सिर्फ महिलाओं के प्रति नहीं, किसान हो, युवा हो, हर वर्ग को सिर्फ दबाने का काम कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जी पहली बार बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड के अंदर उनका पदार्पण हुआ है और महिलाओं के अंदर उनके बनने के बाद जो जोश खरोश देखने को मिला है आज, मैंने तो सिर्फ कल रात मुझे पता चला और मैंने सिर्फ महिला कांग्रेस की अध्यक्षा और तमाम हमारी जितनी महिला पार्षदगण थी और हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनसे खाली बोला था कि वो आ रही हैं, तो ये दल बल के साथ अपने आप अपने साधनों से यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए आ गई। मसूरी के होटल सभागार में उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल के संगठन में कमी है, जिसके लिए वे विधानसभा स्तर पर और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और वहीं मौके पर उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा, साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं उनकी ओर से एक वेबसाइट तैयार की जा रही है, जिसमें मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और अधिक से अधिक संख्या में उत्तराखंड के लोगों को इसमें जोड़ा जाएगा। हाईकमांड के मुनीम की तरह काम करते हैं, मुनीम ही है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं है। उत्तराखंड की जनता को अपना मुख्यमंत्री चुन के देना चाहिए। और ये जो राष्ट्रीय दल हैं, इन्होंने पिछले 21 साल से उत्तराखंड को बारी बारी से लूटा है, ठगा है। अब जनता फैलाने के लिए जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं, चाहे वो भू कानून लागू करना हो, बेरोजगारी का समाधान करना हो, उत्तर प्रदेश में जो हमारी परिसंपत्तियां दबी पड़ी हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की परिसंपत्तियां उत्तर प्रदेश के हाथ में है, उनको वापस लाने की बात है, ये तमाम सारे मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे, जागरण करेंगे, जनता को जागरूक करेंगे। पहली बार किसी पार्टी ने UKD से और वो भी धनोल्टी से किसी महिला के ऊपर विश्वास किया है, वो भी नई युवा पीढ़ी को देख करके। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हमारी धनोल्टी में आज तक किसी पार्टी ने किसी महिला के ऊपर विश्वास नहीं करा, किसी को आगे नहीं लाया,
मैं चाहती हूँ कि अगर यूकेडी ने, वो क्षेत्र दल जिसने इतना विश्वास जताया, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ करेंगे। हरिद्वार में वन विभाग की ओर से रिजर्व लैंड में खंदक खोदने के बाद प्रॉपर्टी डीलरों में अफरा तफरी मच गई है। दरअसल वन प्रभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलरों ने वन प्रभाग की रिजर्व लैंड भूमि पर आवागमन शुरू कर दिया था। इस दौरान वन क्षेत्राधिकारी दिनेश नोटियाल ने बताया कि सुमन नगर क्षेत्र में वन प्रभाग की हाईवे किनारे भूमि है, वहीं इस भूमि से सटी भूमि पर कई प्रॉपर्टी डीलरों ने कॉलोनियां काट दी हैं, जिस वजह से आवागमन का नाम मात्र रास्ता रह गया है, जिससे स्थानीय लोगों को कई जगह विभागीय भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद अब विभाग ने जेसीबी मंगाकर बड़े पैमाने पर गड्ढे खोद दिए हैं। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी डीलर या स्थानीय व्यक्ति ने रिजर्व लैंड पर कब्जा किया तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये पिछले कुछ दिनों में हम लोगों को अवगत कराया था कि एक वहाँ पे नहर पटरी है, नहर भाई की जमीन है वो बेसिकली, और वन विभाग का जो है संरक्षित वन घोषित है वो, वहाँ पे हमारे प्लांटेशन वगैरह होते हैं। तो वहाँ बीच में कुछ लोगों द्वारा प्रयास किया जा रहा था कि वहाँ से अपना रास्ता निकालने के लिए कुछ होर्डिंग्स वगैरह वहाँ पे लगी थी, तो उन पे हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। जितने लोगों ने भी वहाँ पे अवैध तरीके से होर्डिंग्स लगाई हैं, तो उन पे हमने कार्रवाई की, और साथ ही अगर कुछ गलत मंसूबे लेकर के लोग वहाँ पे आ रहे थे तो उनको भी हिदायतें दी गई थी, चेतावनी दी गई थी। और अभी भी मेरी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि इस तरह का प्रयास न करें, अगर कोई इस तरह की हिमाकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांव-गांव कांग्रेस के सफल अभियान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। साथ ही लखीमपुर खीरी में हुए हंगामे को बीजेपी सरकार का दुर्भाग्य बताया और कहा कि उत्तराखंड सरकार ने खुद को बचाने के लिए और जनता की आवाज को दबाने के लिए रासुका लगाई है। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रासुका लगाना लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन आज इस आधार पर, केंद्र सरकार की सह पर, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा जो चोट पहुंचाई जा रही है, ये भविष्य तय करेगा कि निश्चित रूप में जब इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी जरूर लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकारें आई जिन्होंने 75 साल के फले फूले लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए उसके आधार पर चोट पहुंचाई। और उसके साथ साथ मैं इस राज्य सरकार, उत्तराखंड की राज्य सरकार को भी संबद्ध करना चाहता हूँ, कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ। पौड़ी जिले के द्वारी खाल ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा का सपना है कि समाज के हर व्यक्ति को शिक्षा मिले, और उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए पहले द्वारी खाल के 350 बच्चों को और अब यमकेश्वर के 450 बच्चों को गोद लेकर मिसाल पेश की है। वहीं उन्होंने गोद लिए बच्चों से मिलकर उनके भविष्य के सपने को लेकर चर्चा की और बच्चों को पूरा भरोसा दिया कि उनके शिक्षा संबंधी सभी जरूरतों को वो पूरा करेंगे, जिससे बच्चे क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। वहीं महेंद्र राणा को अपनी कार्यशैली के लिए भारत सरकार से 3 बार राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांडी में मैं उन बच्चों से मिलूंगा जिन बच्चों को मैंने गोद लिया है, जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया है, उनकी शिक्षा का जो भी मैंने जुम्मा लिया है उनसे वार्ता करके उनको और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है उनसे वार्ता करूंगा। राजकीय इंटर कॉलेज थल नदी में भी आज मैं बच्चों से मुलाकात करूंगा, उन जरूरतमंद बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं हमारे, उनको से मुलाकात करके उनसे वार्ता करूंगा। रामनगर में समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोविंदर सिंह के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तराई पश्चिमी वन प्रभाग के कार्यालय में पहुंचकर डीएफओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रमुख वन संरक्षक का पुतला जलाया। इस दौरान गोविंदर सिंह ने कहा कि गुलजारपुर क्षेत्र में अवैध खनन और हरे भरे पेड़ों का अवैध पाचन किया जा रहा है, जिससे बड़े स्तर पर राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं अब उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के साथ ही दोषियों पर कार्रवाई करने के अलावा डीएफओ को भी हटाए जाने की मांग की है। हमारी मांग थी कि भाई जो गुलजारपुर क्षेत्रों में जंगलों को हरे भरे जंगल उजाड़ दिए गए हैं उनको बचाया जाए, लेकिन ये बचाने में असमर्थ हैं। अब तक 7 रेंजर यहाँ से इन्होंने बदल दिए हैं, तो क्या राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए जब इनके रेंजर जंगलों को नहीं बचा पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कौन बचाएगा?
जिम्मेदारी किसकी बनती है? वनों के अंदर से खनन हो रहा है, हरे भरे जंगलों को उजाड़ा गया। इन्होंने पहले मना करा, हमने वीडियो प्रेषित करी, लेकिन अभी तक इनकी कान पे जू नहीं रहेंगी है और ना ये जांच की बात कर रहे हैं ना उसे रोक पा रहे हैं। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि इस DFO को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और दूसरा नंबर पर ये जो हरे भरे जंगल उजाड़े गए हैं, जो भी इसमें दोषी हैं या जो वन विभाग की इसमें भूमिका संलिप्त है, उस पर कार्रवाई होगी। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर के अंतर्गत काशीपुर क्षेत्र के गुलजारपुर इलाके में अवैध खनन व हरे भरे वृक्षों को अवैध पातन के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नेता गोविंद सिंह के नेतृत्व में बुधवार को रामनगर DFO कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO के खिलाफ जमकर रोष व्यक्त किया। तो वहीं उन्होंने प्रमुख वन संरक्षक का पुतला दहन करते हुए कहा कि लंबे समय से इस क्षेत्र में वे अवैध खनन को रोकने के साथ ही हरे भरे वृक्षों का अवैध कटान रोकने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वन विभाग के आला अधिकारी अब तक इस क्षेत्र से 7 रेंजरों का ट्रांसफर कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो अवैध खनन रुक पाया और ना ही हरे भरे वृक्षों का अवैध पातन रुक पाया। उन्होंने मामले में तत्काल रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग के DFO को हटाए जाने की मांग की है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। माता पूर्णागिरी धाम में श्रद्धालुओं की दर्शन को आने वाली भारी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से SOP जारी की गई है, जिसके तहत माता पूर्णागिरी धाम में दर्शन को आ रहे श्रद्धालुओं को राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा, जिसके बाद ही माता पूर्णागिरी धाम में श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए प्रवेश मिलेगा। इस दौरान धाम के मुख्य पुजारी भुवन पांडे ने बताया कि मेला संचालन समिति की ओर से नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन में आसानी हो सके, इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। वहीं SP देवेंद्र पिंचा का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन का पालन कराने का आदेश स्थानीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। सफाई का जो कार्यक्रम है वो पहले से ही चला है। वर्तमान समय में हमने पर्यावरण मित्रों की वृद्धि कर दी है, उसमें लगभग 15 पर्यावरण मित्र हैं, जिसमें परिवार से लेकर और जहाँ तक भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की गाइडलाइन के संबंध में आपको बताना चाहूँगा, तो परसों ही हमारे मेला मजिस्ट्रेट जो यहाँ के SDM हैं उनके साथ जो हमारी बैठक हुई है उसमें हमने ये तय किया है कि कोरोना की जिसको डबल डोज लग चुकी है उसमें हमें किसी प्रकार को उसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखती है, वो किसी भी प्रकार की उसमें रुकावट नहीं है। बाई जब किसी को एक वैक्सीन लगी है दूसरी नहीं लगी है तो वो RT-PCR या एंटीजन टेस्ट करा के यहाँ पर माता के दर्शन कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।